लिसन एंड प्रैक्टिस डूइंग माई होमवर्क. माई होमवर्क. होमवर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स एकेडमिक लाइफ. होमवर्क हर छात्र के शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. इट हेल्प अस टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द लेसन टॉट इन क्लास. यह हमें कक्षा में पढ़ाए गए पाठकों या पाठों को दोहराने और अभ्यास करने में मदद करता है. एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर अस फ्रॉम एग्जाम. और यह हमें परीक्षाओं के लिए भी तैयार करता है. इट इज हार्ड फॉर मी टू डू माई होमवर्क. मेरे लिए अपना होमवर्क करना कठिन है. सम सब्जेक्ट आर इजियर फॉर मी देन अदर. कुछ विषय मेरे लिए दूसरों की तुलना में आसान है. और आई रियली लाइक टू डू मैथ इवन थ्रो इट इज हार्ड फॉर मी. मेरे वास्तव में गणित करना पसंद है भले ही वो यह मेरे लिए कठिन है. नेक्स्ट स्लाइड. आई एम गुड एट एडिंग नंबर. मैं संख्याओं को जोड़ने में अच्छा हूँ. आई एम ऑल्सो गुड एट सब्ट्रैक्टिंग नंबर. मैं संख्याओं को घटाने में भी अच्छा हूँ. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर्स इज व्हाट इज हार्ड फॉर मी. संख्याओं का गुना और भाग करना मेरे लिए कठिन है. रीडिंग इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक इवन थ्रो इट इज हार्ड. पढ़ना भी कुछ ऐसा है जो कठिन होते हुए भी मुझे पसंद है. माई मॉम एंड डैड टेल मी रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. मेरे माता पिता बताते हैं पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स. मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. समटाइम्स व्हेन माई फैमिली इज बिजी आई विल रीड ऑन आवर कोच. कभी कभी जब मेरे परिवार व्यस्त होता है मैं अपने सोफे पर पढ़ता हूँ. इट इज कम्फर्टेबल टू सिट डाउन एंड रीड ऑन आवर कोच. हमारे सोफे पर बैठकर पढ़ना सुविधाजनक है. मुझे उम्मीद है सुविधाजनक है. आई होप टू बी एबल टू रीड टू माई लिटिल सिस्टर सून. मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपनी छोटी बहन को पढ़ाने में सक्षम हो पाऊँगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. रिपीट आफ्टर में पीछे वाले सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. होमवर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट एकेडमिक लाइफ. होमवर्क हर छात्र के शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. ठीक है, दूसरा. इट हेल्प्स अस टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द लेसन टॉट इन क्लास एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर अस फॉर एग्जाम. यह हमें कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को दोहराने और अभ्यास करने में मदद करता है. और यह हमें परीक्षाओं के लिए भी तैयार करता है. नेक्स्ट है. सम सब्जेक्ट आर इजियर फॉर मी देन अदर्स. कुछ विषय मेरे लिए दूसरों की तुलना में आसान है. एंड नेक्स्ट. आई एम गुड एट एडिंग नंबर्स. आई एम ऑल्सो गुड एट सब्ट्रैक्टिंग नंबर. मैं संख्याओं को जोड़ने में अच्छा हूँ. मैं संख्याओं को घटाने में भी अच्छा हूँ. रीडिंग इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक इवन टॉट इट इज हार्ड. माई मॉम एंड डैड टेल मी रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. पढ़ना भी कुछ ऐसा है जो कठिन होते हुए भी मुझे पसंद है. मेरे माता पिता बताते हैं कि पढ़ना बहुत
महत्वपूर्ण है। आई एंजॉय रीडिंग बुक समटाइम्स व्हेन माय फैमिली इज बिजी आई विल रीड ऑन आवर कोच। मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जब मेरा परिवार व्यस्त होता है मैं अपने सोफे पर पढ़ता हूँ। इट इज़ कम्फर्टेबल टू सिट डाउन एंड रीड ऑन आवर कोच। आई होप टू बी एबल टू रीड टू माई लिटिल सिस्टर सून। इट इज़ कम्फर्टेबल, हाँ, हमारे सोफे पर बैठकर पढ़ना सुविधाजनक है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपनी छोटी बहन को पढ़ाने में सक्षम हो पाऊँगा। द वीडियो इज एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। थैंक यू।